हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकती है। और इसके साथ देखेंगे तीन स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड के लिए जो कल अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो पहले निफ्टी में देखते कल हुआ क्या। कल निफ्टी में जैसा हम लोगों ने थर्सडे डिस्कस किया था, थर्सडे के अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से यहाँ मार्केट खुलती है। इस रेंज के नीचे थर्सडे भी नहीं गया और फ्राइडे को भी नहीं गया, ना ही एक्सपायरी वाला डे गया ना उसके अगले दिन गया यहाँ पे। तो एक मार्केट का ये सीन था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 15,900 के नीचे, इस लाइन के नीचे 15,882 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, देन वी विल गो फॉर शॉर्ट साइड। और फिर 15,200 और 14,000 की तरफ का टारगेट रखेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छी खासी सेलिंग देखने के बाद भी अभी तक मार्केट अपने आप को इस लेवल के ऊपर सस्टेन की है। ये मोमेंटम मिला अपसाइड का, ये रिटेस्टिंग इसको मान रहे हैं अब हम, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिल चुका है हमें। तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है, एक अच्छा वो भी बन रहा है, पैटर्न भी बन रहा है। तो इसके साथ ही ट्रेड करेंगे हम। सिंपल रहेगा निफ्टी में, अब ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। कल लॉन्ग साइड जाएंगे, मतलब थोड़ा सा एक अच्छा खासा कन्विक्शन भी मिलेगा क्योंकि पैटर्न अच्छा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और जिस लेवल के ऊपर डिपेंड करना था एग्जैक्टली उसके ऊपर बनाया है। ये समझने की कोशिश करना ज़रूरी है कि जिस लेवल को डिपेंड करना था एग्जैक्टली वहीं पे एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मे बी अगर कल यहाँ अगर गैप थोड़ा सा भी गैप अप खुल के यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है हमें 16,200 के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 16,500 के आसपास मार्केट मूव दे सकती है। टारगेट सिंपल रहेगा, टारगेट हेड एंड शोल्डर का, जितना बड़ा हेड होता है उतना बड़ा टारगेट लिया जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि उतना देर पूरा बैठो, ना ही ये ज़रूरी है कि एक देर में पूरा टारगेट अचीव कर जाए। वक्त थोड़ा सा यहाँ आए, फिर कंसोलिडेट करे, फिर अगले दिन ऊपर जाए, वी विल नॉट वेट फॉर दैट। थोड़ा सा अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो यहाँ के आसपास पहला टारगेट हम लोग ये लेंगे, इसको पहला टारगेट रखेंगे। दूसरा टारगेट यहाँ के आसपास रखेंगे जो कि एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस भी है और इस पैटर्न के हिसाब से एक टारगेट भी है, थोड़ा सा बिलीवेबल टारगेट है ये। जितना मतलब एक परफेक्शन मिलती जाती है उतना ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना है, वहाँ पे टारगेट भी दिखा रहा है हेड एंड शोल्डर, तो इससे मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है हमें। तो अगर बात करते हैं गैप अप के सिनेरियो में, गैप अप के सिनेरियो में अगर मान लेते हैं कि खुल गया यहाँ पे, जस्ट इन केस गैप अप खुल जाता है थोड़ा सा यहाँ पे आसपास, तो वेट करेंगे या तो ये अपना कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर जब इसके इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब अपन लोग बाय करेंगे। ये पहला टारगेट रहेगा और ये दूसरा टारगेट रहेगा। तो फिर डाउन साइड के लिए देखेंगे, डाउन साइड अगर यहाँ गैप अप खुलता है तो फिर वेट करना पड़ेगा इस स्विंग के नीचे, या तो क्लोजिंग दे यहाँ पे और बाय करेगा तो ये भी अपना स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, इसके ऊपर नहीं लगा सकते, उस शोल्डर के नीचे ही लगाना पड़ेगा। यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक रिट्रेस करेगा तो जिनको छोटा स्टॉप लेस देना है यहाँ तक तो लगाना ही पड़ेगा, और जो जिनकी बड़ी कैपेबिलिटी है यहाँ तक लेके आगे तक टारगेट लेंगे। ठीक, थोड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा और थोड़ा स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से बड़ा होगा। तो और डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ के आसपास कहीं, तो फिर वेट करना पड़ेगा, इस लेवल के नीचे टूटेगा तभी डाउन साइड की ट्रेड ले पाएंगे। इस जोन के अंदर ये नो ट्रेडिंग जोन होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फ्राइडे के दिन ट्रेड लिया था, इस कैंडल को देख के अकॉर्डिंगली लिया था कि ये इस तरह की कैंडल है, तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में ही मतलब एक शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। खैर वो मतलब दिन खराब हो गया, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में आ गया था, तो यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा था, पर यहाँ के आसपास ये दो कैंडल देख के यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। थोड़ा सा डिसाइसिवनेस मिल रही थी मार्केट में तो इस समय प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये अभी भी कल भी अगर इस जोन में खुलता है तो यही प्रॉब्लम हो सकती है फिर भी, कि पता नहीं चलेगा कि टारगेट पूरा मिल पाएगा कि नहीं। अब चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले, कोई मतलब नहीं है उसका, फिर ऊपर यहाँ पे तो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या, ये भी निफ्टी की तरह ही है, एक अप मूव मिला है हमें यहाँ से, अब मूव के बाद रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था, यहीं से अब
ऊपर साइड जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड ट्रेड भी तभी रहेंगे जब यार इस स्विंग तोड़ देगा, इस स्विंग के नीचे डाउन साइड ट्रेड रहेगी और इस स्विंग के ऊपर अप साइड ट्रेड लेंगे हम लोग, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बना रहा है ना, तो टारगेट अपन लोग ये लेंगे इसका पहला, फिर दूसरा टारगेट लेंगे यहाँ पे। इसको हटा के ट्रेंड लाइन से बता मार कर देना, थोड़ा सही रहेगा। इस स्विंग के ऊपर इसको इग्नोर कर सकते हो, ये ओपनिंग कैंडल है, इसको इग्नोर कर सकते हो। इस स्विंग के ऊपर यहाँ से ट्रेड लेंगे, डिपेंड करता है कल कहाँ खुलता है, अगर यहीं कहीं खुल गया तो इसको टारगेट लेकर ट्रेड करना, थोड़ा सा वेट करना, प्राइस एक्शन बनने देना कि थोड़े से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, यहाँ रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए, या तो कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके अपना ऊपर चला जाएगा। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है थोड़ा सा वेट करना कि पहले ही 15 मिनट्स में अगर यहाँ चला गया तो क्लोजिंग का वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ जाते ही दोबारा नीचे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। पहले 15 मिनट्स हमेशा वॉलेटाइल होता है, संभाल के करना, तो वेट करना पड़ेगा। इस कैंडल को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ओपनिंग कैंडल है और थोड़ा सा इसमें दिख भी है, तो ये वो हो जाएगा ना कि इसको इसके ऊपर लगाओ तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानेंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना दिख रहा है, तो इसको इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक, डाउन साइड का देखेंगे, तो डाउन साइड पे इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे ट्रेड लेना बनता है, फिर टारगेट लेंगे अपन लोग यहाँ से। ये दो टारगेट्स होंगे डाउन साइड के लिए, ये दो टारगेट्स होंगे अप साइड के लिए। सिंपल प्राइस एक्शन का वेट करना है, कंसोलिडेशन जोन से बाहर आने दो। एक राउंडिंग बॉटम पर पैटर्न है, तो ये टारगेट तो कंफर्म है कि ऊपर साइड जाता है, तो ये वाला टारगेट 35,000 का कंफर्म है कि यहाँ तक तो आना ही है इसको, अगर ऊपर साइड जाता है तो। डाउन साइड में थोड़ा सा अगर यहाँ से मुड़ गया तो डाउन साइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल, क्योंकि बहुत दिन से अब इनडिसाइसिव हो रही है मार्केट, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मंडे नहीं तो ट्यूसडे कुछ ना कुछ जरूर होगा। एशियन पेंट देखो कि एशियन पेंट्स को सिंपली ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था इसके लिए, अभी तक इसको पहली बार टेस्ट कर रहा है। अगर कल अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है हमें यहाँ के, उसको 15 मिनट्स के ऊपर कैंडल यहाँ क्लोथिंग मिल तो चुकी है, बट अगर कल यही से मार्केट स्टार्ट होती है तो सिंपल रहेगा अपना टारगेट, इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दो, ये टारगेट रहेगा 3,036। टाटा मोटर्स पे देखो कि डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बना रहा है, स्विंग ट्रेड भी है इसमें, इंट्राडे ट्रेड भी है। स्विंग ट्रेड अगर लेनी है तो यहाँ से लेके बैठ जाओ 519 के लिए, 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो 15 मिनट से भी बुलिश है। उस दिन हमने डिस्कस किया था थर्सडे या फ्राइडे में कि ये एक डाउन ट्रेंड है, इसको फॉलो कर रहा है, इसको जैसे ब्रेक करेगा इस ये टारगेट लेके अपन लोग ट्रेड करेंगे, वैसे ही हुआ। इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा 441, 441 को जैसे ब्रेक करता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे सिंपल और ट्रेड करेंगे। HDFC बैंक देख लेते हैं, HDFC बैंक ये डबल बॉटम बनाया और यहाँ पे ही इसका एक रेजिस्टेंस है, बुलिश पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छा खासा टारगेट भी मिलेगा। ये अपना पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट रख लेते हैं, ज़्यादा ऊपर का नहीं ट्रेड करेंगे स्टॉक्स में, 1% 1.5% इज द मोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो, उसको ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हाँ 1.25 है ऑलमोस्ट, 1.5% मान लो, 1.5% नहीं कमी है, बट ठीक है ये वाला टारगेट ले सकते हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कमिंग डेज पे क्या होता है, अगर निफ्टी बुलिश रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबली HDFC भी अपना टारगेट हिट कर जाएगा बढ़िया से। और इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में कल, और एक सेंट ट्रेड है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसको ज़रूर देखना, काफ़ी मतलब वॉल्यूम के ऊपर एनालिसिस कर रखी है, केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी गुजरात प्योरो केमिकल्स, ठीक, उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा आज या कल में, देख लेना। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे कल, ओके बाय।